संसद में सिंगौल रखे जाने पर सपा सांसद आरके चौधरी के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सपा सांसद और ऐसे लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ओबीसी फिलिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, तब कहां थे सपा के सांसद? यह देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोग गलती से जीत करके आ गए होंगे। भ्रम में ना रहे, देश की जनता जल्दी ही इन्हें फिर से जवाब देगी। वहीं ओबीसी के मामले में उन्होंने कहा कि उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। आपको बता दें, सपा सांसद आरके चौधरी ने संसद भवन में सिंगौल रखे जाने के मामले को लेकर बयान देते हुए कहा था कि संसद में सिंगौल की जगह संविधान रखा जाना चाहिए। गौरतलब है, छतरपुर जिले के चंदला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा मतदाता एवं कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। किस तरह से आरके चौधरी सपा सांसद संसद में सिंगौल को लेकर संविधान रखने की बात कही है? देखिए सपा सांसद और ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ओबीसी जैसे लोग पैलेस्टीन जिंदाबाद कर रहे हैं, कहाँ थे सपा के सांसद? ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े, भारत में स्थिरता लाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जनता गलती से जीत करके आ गए होंगे। भ्रम में न रहें, इस देश की जनता इन्हें जल्दी ही फिर से जवाब देगी। उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।